जो स्टॉक है ATZL है, जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि ये स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। जब मैंने ये स्टॉक सेंड किया था तो 997 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अभी स्टॉक 1015 1020 के अराउंड है। नो वरी, फिर भी ये स्टॉक में हमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि मेरा पहला टारगेट ही 1025 का था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट रिवाइज करके चलूंगा। सेम एसएल के साथ हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 1065 होगा, और दूसरा टारगेट जो होगा वो सीधा 1100 का होगा। सो मोमेंटम पॉजिटिव साइड की ही है, ATZL खरीदारी करके चलिए विद द एश्योर 965 पहला टारगेट, 1065 दूसरा टारगेट, 1100। दूसरा शेयर कौन सा था प्रशांत? दानी टोटल गैस 650 की बाइंग है। देखिए यहां पे मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखिए। ये 4,000 का भाव कभी आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार की पोजीशनिंग अडानी टोटल गैस ने की है और जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट ने भी कहा है इनके बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में कि वो गैस को बहुत स्ट्रांगली इंडिया में कवर करना चाहते हैं, तो अगले 5 साल में गैस की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। और यहाँ पे अडानी टोटल गैस बहुत तेजी से अपना ज्योग्राफिकल एक्सपांशन कर रहा है, तो अगले 2-3 साल का नजरिया रखिए। और जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है इनके लिए तो अभी भी प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए। शेयर का प्राइस कभी होगा ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली प्रॉस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए।